होगा, उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना होगा। अभी हमारे प्रेरिदाई काम का चालक शक्ति पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है, ये हमारे संत पापा लोग जैसा योहन जॉन 23, पोप पॉल द सिक्स्थ, जॉन पॉल द सेकेंड, ये सब संत पापा लोगों ने कहा है पवित्र आत्मा ही है कलेसिया का प्रेरिदाय काम का चालक शक्ति, पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु उनकी अंतिम भोजन के बाद प्रभु यीशु यही सिखाया है कि मैं जब जाएगा और पवित्र आत्मा आएगा और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तब पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा एक दूसरा सहायक आपके लिए भेजूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14:12 में लिखा है, योहन का सुसमाचार अध्याय 14:12 में लिखा है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। देखो ऐसे लिखा क्या है, देखो, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं ये कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। कौन करता हूं? प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह जो कार्य करता है, वो कार्य जो उसमें विश्वास करने वाला सब लोग करेगा। क्या समझ में आया? प्रभु ने हमारे बारे में कितना बड़ापन सोचता है। पूरा नहीं हुआ, उसके बाद क्या कहा, वह उनसे भी महान कार्य करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। मैं पिता के पास जा रहा हूं, तो जाने के बाद वो क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। तुम मेरे नाम से लेकर जो कुछ मांगोगे, तो मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगेगा, तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये क्या मांगने के बारे में लिखा है? हाँ, मुझे एक मोटर कार चाहिए, वही है क्या? नहीं तो मुझे इतने लाख रुपया चाहिए, नहीं तो मुझे मकान चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, मुझे फॉरेन जाना चाहिए, क्या मांगने बारे में बोलता है इधर? यहाँ का सबसे बड़ा सब्जेक्ट यह है कि मैं जाएगा तो तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं पिता के पास जा रहा हूं ताकि मैं पिता के पास जाकर, अभी वो दूसरा ये अगले वचन पर लिखा है, वही तुम मुझे, यदि तुम मुझे प्यार करते हो करेंगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा,
जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सदा तुम्हारे साथ। पवित्र आत्मा ईश्वर है, पवित्र आत्मा एक पवित्र तीर्थ का व्यक्ति है, ईश्वरीय व्यक्ति है, वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाएगा। भले कि हम लोग कुछ पाप कर डालता है तो भी पवित्र आत्मा नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचता है कि देखो पवित्र आत्मा चले जाएगा अगर तुम हम पाप करेगा तो। कोई लोग बोलता भी है देखो पवित्र आत्मा इतना पवित्र है, तुम जब पाप करेगा तो पवित्र आत्मा तुम पर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम जब हम पाप करते वक्त ही होता है। जब हम कुछ पाप करता है तो पवित्र आत्मा तुरंत आके हमें ये होश देगा, देखो तुम बहुत बड़ा गलती किया है, तुमको पछतावा करना चाहिए, तुम पछतावा करो और पाप स्वीकार करो, तुम्हारा पाप क्षमा मिलेगा। ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। तो हम पाप करेगा तो चले जाएगा तो हमको पाप क्षमा कैसे मिलेगा? तो ऐसे मत सोचो, प्रभु हमें ऐसा प्यार करता है कि हमारा बेटा बेटी को हम लोग जैसे प्यार करता है। हमारा घर में हमारा बेटा है बेटी है, वो लोग बहुत कुछ करता है, हम लोग उसको निकालता है क्या, देखो तुम ऐसा करेगा तो मैं देखो बाहर निकालेगा, तुम मेरा घर में मत रहो, ऐसा बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलता है। हम लोग बोलेगा देखो बेटा तुमने गलत किया है, अभी दोबारा नहीं करना, ये ठीक नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी तुम सीखना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा हमारे अंदर बुराई क्या है वो समझने के लिए और पवित्र बनने के लिए। लेकिन अभी हमारा इस प्रवचन का मतलब यही है कि पवित्र आत्मा प्रेरिताई काम करने के लिए कैसे मदद करता है। मदद नहीं, वो पूरा वही काम करता है, पवित्र आत्मा ही करता है। तो प्रेरित चरित में हम देखते हैं, वो प्रेरित चरित को दूसरा एक नाम है पवित्र आत्मा का चरित। प्रेरित चरित पर आप लोग ये यहां से जाने के बाद एक बार ये प्रेरित चरित एक बार फिर पढ़ना चाहिए। सचमुच में कलीसिया चालू हुआ पवित्र आत्मा का द्वारा ही चालू हुआ है। उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान सब लोगों पर मिला, तब भी उन लोगों को बहुत ताकत हुआ। देखो मैं 40 साल का उम्र तक कुछ भी प्रेरिताई काम नहीं किया, लेकिन मुझे मेरा माँ बाप बहुत बहुत अच्छा माँ बाप, हम लोग 10 बच्चे थे, 10 लोगों को सुबह सुबह हर एक दिन गिरजा ले जाता था, हर एक दिन घर में पारिवारिक प्रार्थना कम से कम 45 मिनट प्रार्थना होता था। लेकिन उस वक्त हमें ये ज्ञान नहीं दिया कि हमको प्रेरिताई करने का एक काम है हमारे लिए, वो ड्यूटी है, ये कोई नहीं बताया। वो लोग सोचा है वो तो फादर लोग सिस्टर लोग का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब मेरे हृदय में मेरे अंदर में पवित्र आत्मा का वरदान काम करने लगा, तब मुझे लगा हाँ मैं एक क्रिस्ट होने के नाते हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर क्या विशेष शक्ति है, ये मालूम पड़ने से हमारा एक दूसरा डिग्निटी समझ में आया ना, डिग्निटी। और उसके बाद मुझे ऐसा
मैं डाउट डाउट के घर घर डाउट डाउट के परिदाई करता था, डाउट डाउट के, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कृपा पवित्र आत्मा का दिया हुआ महसूस हो गया। उसके बाद किसी के पास जाएगा तो, किसी घर में जाएगा तो ट्यों 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 पवित्र आत्मा एक सिग्नल देता है, देखो ये घर में ये परेशानी है, ये घर में ये प्रॉब्लम है। वो लोग बोलता नहीं, लेकिन हमें ज्ञान मिलता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ बातचीत करता है। एक दिन बहुत सारा उदाहरण मुझे मिलता है, ओके बाद में बताएगा। तो हमारे व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा का वरदान हमारे अंदर काम करने चालू करेगा, तब प्रेरणादायी काम करने के लिए बहुत दिलचस्पी होता है, बहुत उत्साह होता है, और हमारे लिए हमारा परिश्रम को कुछ फल दिखाई पड़ता है, फल दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। मैं कुछ ऐसा उदाहरण ढूंढता है कि अच्छा, पहले हम ये प्रभु यीशु ने कहा ये बात और एक बार सोचो, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं ये कार्य करेगा जो मैं करता हूं। उसका अर्थ ये है कि हमारा जीवन प्रभु ईसा मसीह के साथ जोड़ा हुआ है, एकदम जोड़ा हुआ है। कैसे जोड़ा हुआ है? हम बपतिस्मा द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा, और सबसे बड़ा हमारा मिसा बलिदान द्वारा। तो मिसा बलिदान पर जो प्रभु ईसा मसीह को हम स्वीकार करता है, प्रभु ने उनका शरीर रक्त हम लोगों को खाने पीने के लिए देता है। मतलब जो प्रभु ईसा मसीह हमारा हमारा शरीर का हमारा रक्त का हर एक सेल पर प्रभु है। प्रभु ही हमारा जीवन को संचालन करता है। तो इसीलिए अभी यहां पर ऐसा लिखा है योहन्न का सुसमाचार 14:16 पर लिखा है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। दूसरा, अभी आपका माँ बाप आपसे बोला अच्छा तुम्हारा घर में बहुत तकलीफ है ना, वहां पर नौकरानी नहीं है क्या? हाँ एक नौकरानी है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरा एक नौकरानी को ही भेजता। दूसरा बोलेगा उसका मतलब क्या है? दूसरा बोलेगा उसका मतलब क्या है? एक तो ऑलरेडी है, उसके अलावा और एक है ना, है ना। दूसरा बोलेगा तो दूसरा सहायक, तो पहला सहायक कौन है? यीशु स्वयं है, प्रभु यीशु स्वयं हमारे साथ सहायक करने के लिए है। अभी प्रभु कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुमको, बोलिए तुमको दूसरा। तो हमारे साथ कितने सहायक हैं? दो सहायक हैं, एक प्रभु ईसा मसीह और दूसरा पवित्र आत्मा। ये प्रभु ईसा मसीह और पवित्र आत्मा, ये दोनों हमारे साथ
हमेशा सदा सहाय करने के लिए है। उनके सहायता द्वारा ही हम जो कुछ भी करना चाहिए, जो कुछ भी। और रोज हमको तकलीफ होता है क्योंकि हम सोचता है कि ओ मैं एक सीधा साधा पापी मनुष्य हूं, मुझे यह सब नहीं कर सकता है। सही बात है, वो हमेशा हमसे पीछे खींचते रहेंगे, पीछे खींचते रहेंगे। और रोज कुछ बहुत अच्छा काम करने के लिए हमारा मन में आया, तब हुआ कि कुछ बहुत छोटी चीज के लेके एक जड़ा हुआ घर में, पारिवारिक समस्या। उसके बाद हम गुस्सा हो गया, उसके बाद हम अपने से बोलने लगे, देखो मैं कितना अच्छा मन से बहुत एक काम करने के लिए सोचा था, देखो अभी झगड़ा किया, अभी देखो पूरा मेरा मन खराब हो गया, छोड़ो अभी कुछ नहीं करना है, बैठ जाएगा बस, हो गया अभी क्या करेगा। ये सब रोज होता है, तब हम लोग क्या करेगा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, हे मुझसे नहीं होता है, तुम दो सहायक क्या करता है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, देखो मुझे बहुत गुस्सा होता है, मुझे ठीक समझ में नहीं आता है, मुझे ठीक व्यवहार नहीं कर सकता है, मुझे ये सब काम आप बताया लेकिन मैं नहीं कर सकता है, लेकिन आप अगर सहायत करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा होता है। मैं आपका एक कलम दीजिए, एक कलम दीजिए, या धन्यवाद। मैं, हे प्रभु, मैं आपका हाथ का एक पेंसिल है, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, बस यही काम करने का तरीका। और रोज कुछ न कुछ कमजोरी होगा, देखो देखिए अभी ये हमारा अवस्था है, ये हर एक व्यक्ति प्रभु के हाथ में है ना, हम लोग सब प्रभु से बनाया है, प्रभु के हाथ में है, बहुत अच्छा है ना, प्रभु हमको ले चलता है, हा 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 बेटा बेटी तुम बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब होते हुए कोई भी तरीका से शायद हम पाप किया, नहीं तो हम बीमार हो गया, नहीं तो हमारा कुछ गलती किया, हम गिर गई, हम गिर गया, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, मैं तो गिर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता है, बीमार हो गया, पाप किया, कमजोरी हो गया, मैं गिर गया, गिर गया तो भी कहाँ है, तब भी प्रभु का हाथ में है। तभी हम कहाँ है, प्रभु का हाथ में ही है। अभी प्रभु क्या करेगा, अरे बेटा थॉमस तुम कोई बात नहीं, मुझे तुमको अच्छी तरह जानता है, तुम्हारा कैपेसिटी इतना ही है, चलो 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 उड़ो। देखो क्या किया प्रभु ने, वो मुझे अपनाया और फिर उठ खड़ा कर दिया। ऐसा ही होता है, रोज कुछ न कुछ हमारी दुर्बलता के कारण हम पीछे जाएंगे, लेकिन रोज प्रभु हमको पकड़ के उठाएंगे। जैसा कि थैंक यू, जैसा कि संत पेत्रुस, प्रभु ने पानी के ऊपर चल के आ रहा था, समुद्र के ऊपर, तब पेत्रुस ने कहा, हे
तो प्रभु चलता है तो मुझे भी पानी के ऊपर चलने के लिए बोलिए। हाँ जरूर आ जाऊं। और पेत्रुस नाव से उतरकर पानी के ऊपर चलते चलते गया, लेकिन एकदम नजदीक आ गया तब थोड़ा सा पानी हिल गया तो गुर्र कर नीचे उतर चले, नीचे चले गया। तो वो चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं डूब जाएगा, मैं डूब जाएगा। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ को ऐसे पकड़ा है। प्रभु ने पूछा, अरे तुम क्यों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हे प्रभु मुझे उठाइए, अभी विश्वास का बढ़ाने के लिए मौका नहीं, मुझे उठाइए, अभी विश्वास का शिक्षा देने वाला है क्या, मुझे उठाइए। यही होता है। ओके, तब हमारा रोज प्रेरणादायी काम पर रोज तकलीफ होता है, रोज रोज। एक व्यक्तिगत रीति से हमको तकलीफ होगा, दूसरा बाकी लोग हम लोगों को तिरस्कार करेगा, ओ कौन है इतना बड़ा प्रेरित आता है, अभी देखो कोर्स लेने के बाद आके बहुत बड़ा काम करने वाला है, तुमको क्या जानता है, तुम्हारा पुराना कहानी हमको मालूम है, तुमसे कुछ होने वाला नहीं, ये सब दूसरे लोग हमारे ऊपर बोलते रहेंगे। मैंने कहा संत पापा संत फ्रांसिस मती का घर पे प्रभु यीशु जब आया उसके बारे में कहा है, प्रभु यीशु मती का कुछ भी पुराना बात में देखा नहीं, मती के घर पर प्रभु यीशु आए, सब लोग बोलता है कि मती नाकेदार है, पापी है, उनके घर में जाना नहीं, लेकिन प्रभु यीशु उनका घर में आया। और संत संत पिता फ्रांसिस पापा बोलता है कि प्रभु यीशु मत्ती का कुछ भी पुराने बात को देखा है क्या, सोचिए, वो उनका पुराने बात नहीं देखा, वो उनका भावी उनका भविष्य को देखा है, उनका भविष्य में कौन आने वाला है, कौन होने वाला है, ये जो नाकेदार मत्ती कौन होने वाला है, कलेसिया का अपोसल, अपोसल सिर्फ 12 अपोसल है उसमें एक होने वाला है, और एक गॉस्पेल राइटर ये एवेंजेलिस्ट होने वाला है, ये तो प्रभु को जानता है, लेकिन अभी उनका अवस्था ओ नाकेदार चुंग ओके उधर बैठा है, लेकिन प्रभु वो जो कुछ भी बुराई किया उसका बारे में कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं देखा, हे उड़ो मेरे पीछे आओ, और मत्ती वहां से उड़कर उनके पीछे गया। सुसमाचार में लिखा है मत्ती वहां से उड़कर उनके पीछे लिया, वहां से उड़ा, उड़ खड़े हुआ, मतलब वो उनका पुराना जीवन को छोड़ दिया, एक नया जीवन पर आ गया। लेकिन हम लोग अपना गांव में सुसमाचार प्रचार करते वक्त गांव वाला दूसरे लोग से बहुत सारा कमेंट मिलता है, कोई सुसमाचार करने वालों को उतना 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 क्या बोलता है, अच्छा नहीं बोलता है। जब मैं इतना इंजीनियरिंग काम कर रहा था, बहुत अच्छा इंजीनियर था, बहुत अच्छा सैलरी मिलता था, उसके बाद तुरंत मैं वो सब छोड़ दिया तो सब लोग मुझे खराब बोलने लगा, वो तो अभी एक बाइबल पॉकेट में लेके घूमता है, क्या मिलने वाला है उसको, क्या हो गया उसको, जरूर कुछ दिमाग खराब हो गया, वो बहुत बड़ा अच्छा इंजीनियर था लेकिन अभी और बहुत पैसा मिलता था, वो सब छोड़कर वो एक बाइबल लेके घूमता है, प्रवचन करता है, इसको क्या हो गया। हमारा हमारा
हमारा हकीकत में एक आदमी हर रोज गिरजा जाने चालू करेगा तो सोचेगा, अरे उसको क्या हो गया, उनको कुछ तकलीफ है क्या, वो क्यों रोज गिरजा जाता है। और मिसा बलिदान के बाद कोई आधा घंटा गिरजा पर प्रार्थना करता है तो सोचेगा इसको जरूर कुछ बीमारी है, ये क्यों उधर बैठ के प्रार्थना करता है। यही है लोगों का एक दूसरा विचार, उसके बीच में हम ईश्वर का सेवा करना चाहिए। मैं जब जबलपुर जहाँ पर था तो मध्य प्रदेश में एक जगह पर मैं कारखाना का काम करने के लिए गया तो उसके नज़दीक में गिरजा में मैं रोज जाता था और उसके बाद करीब एक घंटा मैं मिसा बलिदान के बाद प्रार्थना करता था। तो एक दिन पल्ली पुरोहित मुझे आके, क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसा बैठकर प्रार्थना करता है, कुछ हुआ क्या, मतलब कुछ। नहीं, मैं प्रभु के साथ जो अनुभव है मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता है। उसके बाद 10 साल के बाद वही डायोसिस में फादर लोगों को विधि उपवास देने के लिए बिशप मुझे बुलाया और वहां पर आया और बिशप स्वामी ने मुझे इंट्रोड्यूस करने समय बोला, ये थॉमस पोल 10 साल के पहले हमारे यहाँ पर था, वो घर घर पर जाकर सुसमाचार करता था और गिरजा पर बहुत सेरी बैठ के प्रार्थना करता था, लेकिन कुछ लोग उसको गलत समझा। लेकिन वही व्यक्ति को अभी कलेसिया का डायोसिस का इतना सब फादर लोगों को ध्यान देने के लिए बुलाया है। उस वक्त वो पुरोहित जिसने उस दिन मुझे ऐसा बोला, वो आकर 10 साल के बाद मुझसे क्षमा मांगा, मुझे माफ़ कीजिए मैं गलत समझा। मेरे कहने का मतलब है कि किसी से भी बहुत बड़ा अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, समझ में आया। वो मत सोचो, फेरीदाई काम के लिए निकलेगा तो बहुत सा लोगों से नेगेटिव बात सुनेगा, वो सब प्रभु के नाम से हम अपनाना है। देखो एक वचन, हाँ देखो एक वचन दे रहा, मेरा एकदम मेरे सामने वो देखते हैं, अध्याय 15:25 प्रेरित संत योहन 15:25 ये इसलिए हुआ है कि उनके संहिता का ये कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बाहर किया, उन्होंने अकारण ही मुझसे बाहर किया, ऐसा उनका संहिता में लिखा है। वो पूरा होना चाहिए, प्रभु यीशु ईश्वर होने के नाते भी उनको बाहर किया। वो अपने यहूदियों के पास आया जो उनका खुद का लोग हैं, लेकिन वो लोग उनको स्वीकार नहीं किया। संत योहन का सुसमाचार 1:10 वह संसार में था, संसार उसके द्वारा वह अपनी यहाँ आया, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। तो ये जो कुछ भी प्रभु यीशु का जीवन पर हुआ है ये सब हमारा जीवन पर भी होगा। वो अपने लोगों के पास आया, उसे उनको नहीं अपनाया। ओके, तो इतना समय बोलता है कि प्रैक्टिकल में हमारा जीवन पर क्या हो रहा है। ये सब हमेशा हम कोई भी प्रेरिदाई काम के लिए निकलेगा तो बहुत कुछ तकलीफ उठाना पड़ेगा, तकलीफ।
मैं एक जगह पर मध्य प्रदेश पर एक पैरिश में वहाँ का पल्ली पुरोहित मेरा एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाया अब आइए हम पर थोड़ा मदद करने के लिए। तो मैं शाम को करीब 6 बजे उधर पहुँचने वाला है। तो जबलपुर पर ट्रेन उतरने के बाद एक बस पकड़ कर जाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन लेट हो गया, रात हो गया, तो बस सब चले गया। उसके बाद एक ट्रक वालों को हाथ दिया, तो ट्रक वाला ने हमको लेकर वो पली वो गिरजा का करीब 1 किलोमीटर दूर हुआ, तो वो ट्रक भी खराब हो गया। और मेरे पास 2 सूटकेस हैं और एक कार्डबोर्ड बॉक्स में बाइबल वगैरह वगैरह वो भी है, 3 चीज़ें। देखो एकदम रात 12 बजे सड़क पर वो ट्रक वाला मुझे उतारा, करीब 1 किलोमीटर ये दोनों सूटकेस और ये बक्सा सिर पर लेकर मैं चलते 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 रात को फादर के पल्ली पर गया। तब देखा तो गेट बंद है, मैं खिड़खिड़ा तो फादर उठा नहीं, शायद वो मेरे इंतजार में रहा, अभी अभी जाके सोया होगा। कितना भी खड़खड़ाने से गेट नहीं खुला, वो आया नहीं। तब मैंने ये एक एक बक्सा सिर में देके एक गेट के ऊपर से ऐसा किया, उसके बाद फिर आके दूसरा बक्सा सिर पर रख के ऐसा है, ऐसा 3 बार मैं गेट का ऊपर से आया। और उसके बाद फादर का कमरे पर जाके, अरे मैं तो अभी अभी सोया है, तुम इतना देरी क्यों हो गया? अरे फादर जी इतना परेशानी हो गया आज मुझे। ये एकदम साधारण है प्रभु का काम में। प्रभु का काम करने से करने के समय पर एक साधारण है, हमेशा ये सब होता है। ये सब होते वक्त सोचो कि ये काम बहुत अच्छा होने वाला है, समझ में आया? मुझे बहुत परेशानियां लेना पड़ा है, लेकिन हम हमेशा यहाँ पर एक वचन मुझे ताकत देता है, प्रेरित चरित्र अध्याय 14, प्रेरित चरित अध्याय 14, अभी योहन 14 बोला था, प्रेरित चरित अध्याय 14 में संत पौलुस को, पौलुस प्रेरित चरित अध्याय 14 19 संत पौलुस और उनके साथ दूसरा बरनबास एक जगह पर प्रेरित आए काम कर रहा था। इसके बाद कुछ यहूदियों ने आज्ञा दिया, तथा इकोनियम से और अंतियोकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मार कर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गई, मतलब उनको पत्थर से मारना और वो मर गया जैसा हो गया। तो उनको जो सड़क पर जो कुत्तों को मार डालने से खींच के ले जाता है ना वही मतलब है ना, घसीट ले गई, उसको खींच के ले जाके बाहर फेंक दिया। किसको? संत पौलुस को, सुसमाचार प्रचार किया तो यही हुआ था। लेकिन
किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों और एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ देखे चलेगी। उन्होंने उस नगर पर सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। उसके बाद ये लुस्त्र और इकोनियम होकर अंतियोकिया लौटे। वे शिष्यों से धारस बांधे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते ही हमें बहुत से कष्ट सह कर ईश्वर के राज में प्रवेश करना चाहिए। हमें बहुत 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 कष्ट सहना पड़ेगा। जब भी मुझे परेशानी आता तो मैं ये भाग लेकर और एक बार मनन करता है, जैसे संत पौलुस ने सुसमाचार के लिए कितना परेशानी है। इसलिए ये प्रेरित चरित आप लोग पढ़ना चाहिए। जैसे कि आजकल सुसमाचार घोषणा करने वालों को बहुत सारा अच्छा अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा। चारों बाजू से परेशानियां होगा। तब सोचो आपका काम प्रभु से है, आपका काम प्रभु का अनुग्रह से है, आपका प्रेरिदाई प्रभु का जैसा ही है। प्रभु यीशु भी जो कुछ भी करने लगा तो उनको यहूदी लोग पत्थर मारने लगा, वही होता है। ये एक चीज आते वक्त हम विचलित नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा ईश्वर को